बहुत कम लोग जानते हैं कि साइकोलॉजी में मास्टर्स की डिग्री रखने वाली रश्मिका मंदाना को 2020 में ही गूगल ने नेशनल क्रश का खिताब दे दिया था। आज 26 साल की हो गई हैं रश्मिका मंदाना और इंस्टाग्राम पर इन्हें 30 मिलियन से भी ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। रश्मिका मंदाना ने अब तक अपने करियर में 14 फिल्में ही की हैं, लेकिन शुरुआत की 4-5 फिल्मों के बाद ही पूरे इंडिया में उनके फैंस बन गए। रश्मिका की क्यूटनेस और खूबसूरती के लोग दीवाने हैं। कर्नाटका में तो रश्मिका का निकनेम ही नेशनल क्रश है, वहीं एक्सप्रेशन क्वीन के खिताब पर भी उनका ही कब्जा है। 5 अप्रैल 1996 को कर्नाटक के विराजपेट में जन्मी रश्मिका मंदाना ने मास्टर ऑफ साइकोलॉजी की डिग्री हासिल की है। रश्मिका का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके पिता मदन मंदाना क्लर्क की नौकरी किया करते थे। 2016 में कन्नड़ा फिल्म किरिक पार्टी से रश्मिका ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। महज 4 करोड़ रुपए में बनी इस फिल्म ने 50 करोड़ का कलेक्शन किया था और ये फिल्म 2016 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ा फिल्म बन गई। अपने कॉलेज के दिनों में रहते हुए ही रश्मिका मंदाना ने क्लीन एंड क्लियर फ्रेश फेस 2014 प्रतियोगिता जीत ली थी, जिसके बाद उन्होंने मॉडलिंग के असाइनमेंट्स लेने शुरू कर दिए। महज 7 साल के फिल्मी करियर में रश्मिका ने 14 फिल्में की हैं, जिनमें से ज्यादातर हिट रही हैं। रश्मिका मंदाना को 2021 में आई फिल्म पुष्पा में उनके दमदार किरदार के लिए भी जाना जाता है। बेंगलुरु टाइम्स ने 30 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन ऑफ 2017 की सूची में रश्मिका मंदाना को पहला स्थान दिया था। रश्मिका उन अभिनेत्रियों में से एक हैं जिनकी फिल्में टॉलीवुड में कम समय में 100 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल हुई। गूगल और ट्विटर दोनों पर हैशटैग्स रश्मिका मंदाना अक्सर ट्रेंड किया करते हैं। इसी की वजह से गूगल ने उन्हें 2020 में नेशनल क्रश घोषित कर दिया था। अब गूगल पर नेशनल क्रश सर्च करने पर आपको रश्मिका मंदाना की ही फोटो नजर आएगी। गूगल ने सर्च इंजन में रश्मिका का नाम नेशनल क्रश रखा हुआ है, जिससे नेशनल क्रश सर्च करने पर बार बार रश्मिका का ही फोटोग्राफ आता है। पुष्पा फिल्म के बाद रश्मिका मंदाना ने टॉलीवुड के साथ बॉलीवुड में भी अपनी जगह बना ली है। अब ये साउथ में सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस बन चुकी हैं। गौरतलब है कि रश्मिका मंदाना अपनी फिल्म के लिए लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। रश्मिका को अब तक अलग अलग फिल्मों में अपने रोल के लिए 6 बार बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल चुका है। वहीं अगर उनकी नेटवर्थ की बात करें तो रश्मिका का कर्नाटका, मुंबई, हैदराबाद और गोवा में घर है। एक्ट्रेस के पास 4 गाड़ियों का कलेक्शन है, जिसमें 1 करोड़ रुपए तक की गाड़ियां शामिल हैं। रश्मिका की नेटवर्थ करीब 35 करोड़ रुपए की है। पर्सनल लाइफ की बात करें तो रश्मिका कन्नड़ा फिल्म क्रिटिक पार्टी के दौरान ही एक्टर रक्षित शेट्टी के करीब आ गई थी, जिसके बाद दोनों ने 3 जुलाई 2017 को सगाई भी कर ली थी, लेकिन दोनों ने इस रिश्ते को आपसी झगड़े के चलते 2018 में खत्म कर लिया। फिलहाल रश्मिका मंदाना का नाम एक्टर विजय देवरकोंडा के साथ जोड़ा जाता रहता है और कई बार दोनों की शादी की अफवाहें भी उड़ी हैं। फिल्म पुष्पा के बाद से रश्मिका और भी ज़्यादा चर्चा में आ गई हैं और अब वो बॉलीवुड में भी पूरी तरह से अपने डेब्यू के लिए तैयार हैं। रश्मिका मंदाना जल्द ही सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ फिल्म मिशन मजनू और अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म गुड बाय में दिखने वाली हैं। इस फिल्म की शूटिंग चल रही है और उम्मीद है कि इसी साल ये फिल्म रिलीज हो जाएगी। फिलहाल रश्मिका मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 की शूटिंग में भी बिजी हैं और वहीं फिल्म एनिमल में वो रणबीर कपूर के साथ दिखने वाली हैं।